हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इजी स्टिचिंग एंड कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऑलरेडी स्टाइल की कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें एक पुरानी साड़ी का रीयूज कर रही हूँ, जो कि हमारे पास पुरानी साड़ियाँ पड़ी होती हैं, हैवी होती हैं, उनका क्या करें। तो उनका हम बच्चों के लिए स्कर्ट बना सकते हैं, अपने लिए स्कर्ट बना सकते हैं, जो लॉन्ग स्कर्ट चल रहे हैं। तो मैं पहले अपने एक लड़की के लिए स्कर्ट बनाऊंगी उसमें से। तो मैं अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने वाली हूँ। तो देखो किस तरह से हम स्कर्ट बनाएंगे। ये मेरी हैवी साड़ी है पुरानी, ये देखिए। इसमें से मैं और भी स्कर्ट बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरी स्कर्ट है, इसका पहले मैं नाप लूंगी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी सिलाई से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस तरह पहले इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ है इसकी 15 इंच, तो मैं इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। लंबाई रखूंगी मैं इसकी 17 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। और इसकी अब हम कमर नाप लेंगे। कमर है इसकी 11 इंच तैयार, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्कर्ट कट करेंगे। ये मेरी साड़ी है, अब हमने साड़ी को इसको पहले एक बार डबल फोल्ड किया। पूरी साड़ी को मैंने डबल फोल्ड किया है ये इस तरह से। उसके बाद और भी कट के लिए अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। अब इसको हमने ये इस तरह से 4 फोल्ड किया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम हिप का नाप डालेंगे। तो हिप रखने वाली हूँ मैं 32, ठीक है। तो 32 को हम 4 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 8 को हम यहाँ पर कट करेंगे इस तरह, तिरछा फीता रखेंगे हम। और इस तरह हम 8 को यहाँ पर चौक से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां से हमको अपनी लेंथ रखनी है। लेंथ है मेरी 17, तो यहां पर मैं इस तरह 17 पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच में नीचे फोल्ड करने के लिए निशान लगाऊंगी। इसी तरह मैं 17 पे निशान लगाती चली जाऊंगी और 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए 18.5 पर इस तरह मुझे निशान लगाना है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसी लाइन से हमको फीते को रखना है, ठीक है, और निशान लगा लेना है। इस तरह राउंड में निशान लगाते चले जाएंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसे राउंड में कट कर दिया है। उसके बाद ये निशान जो हमने लगाया है, इसको यहां से भी कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह मैंने इसको कट करके निकाल दिया। अब हम इसको इस तरह से खोल लेंगे और इसमें एक साइड में हम कट लगा देंगे। इधर वाली साइड में मैं कट लगा के इसे ओपन कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा नीचे का घेर कट हो गया। अब मुझे इसके बेल्ट के लिए कपड़ा चाहिए। ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, इसको पहले यहां से इवन कर लेंगे।
अब यहां से इसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1 इंच चौड़ी मेरी इलास्टिक है। आपकी इलास्टिक जितनी भी चौड़ी हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेफा के लिए कपड़ा लेंगे। मैं यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, 1 इंच मेरी इलास्टिक चौड़ी है और उसका डबल करूंगी तो यहाँ पर 1/2 या 2.5 इतना चौड़ा मैं यहाँ पर कपड़ा कट करने वाली हूँ, 2.5 इंच चौड़ा इस तरह से। इसकी लेंथ की पट्टी की लंबाई हम उसमें हमने 32 इंच ऊपर काटा है तो इसमें हम 1 इंच बढ़ाकर काटेंगे जॉइन डालने के लिए, सिर्फ इसमें हम 33 इंच काटेंगे। 33 इंच के लिए इसमें मैं 16.5 पे निशान लगाऊंगी और इसको कट कर दूंगी। अब देखिए गाइस, अब इसके लिए मैं अस्तर कट करूंगी। एक ये अस्तर है जो हमारे नॉर्मल साइज अस्तर आते हैं और एक ये है, ये छोटे छोटे अस्तर है तो इसलिए मुझे 2 लेने पड़ रहे हैं। इस तरह मैंने दोनों अस्तरों को इस पे बिछा लिया है। उसके बाद ये हमने जो ऊपर कट किया था अपना कपड़ा, इससे हम इसको नापेंगे इस तरह से और इसकी लेंथ नापेंगे। इसकी लेंथ हम अस्तर की इससे 2 या 3 इंच कम रखेंगे, ठीक है। तो इसकी लेंथ इतनी आ रही है तो हम इसे इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसी निशान के अकॉर्डिंग हम सारे में ये हमारा 15 इंच आ रहा है, ये हमारा निशान है। इस तरह इसमें राउंड देते हुए जहां तक आएगा 15 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अब हम इसको हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से, इसी तरह हम उस साइड में भी दे देंगे और इसको हम इस तरह राउंड में कट करके यहां भी हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से और इस अस्तर को कट कर देंगे। इस तरह कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार हम अस्तर को रीचेक कर लेंगे। इस तरह हम डबल इसको रखेंगे और जो भी हमारा इससे थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। हम पहले सिलने से पहले इसको फोल्ड करेंगे या यहाँ पे आप इंटरलॉक पी को जो भी आपके पास हो आप वो करके इसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये स्कर्ट कटिंग की वीडियो? मैंने बहुत इजी वे में, बहुत कम स्टेप में आपको ये वीडियो समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से कटिंग की है कि आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। एक बेल्ट काटी है, एक अस्तर काटा है और एक स्कर्ट वाला कपड़ा काटा है, ठीक है। और इसकी मैं स्टिचिंग की वीडियो दूसरी बनाऊंगी। तो आपको अगर ये कटिंग समझ में आई हो और आसान लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।